संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से 26 तक। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, हे परम पावन पिता, मैंने केवल उसके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करते हैं, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तुम मुझ में हैं और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं।